दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, एक नज़र डाल लेते। इंडियन नेवी MR में 7 फरवरी यानी कि आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए देख लेते हैं। दोस्तों ईरान की मुद्रा पूछी गई है। दोस्तों हमने कल भी कहा था कि मुद्रा से एक दो नंबर आ रहे हैं सभी के एग्ज़ाम में, दोस्तों अच्छी तरह याद कर लीजिए। आ गया है, फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों, IPCC की फुल फॉर्म पूछी गई है फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों आप सभी का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू दे रहे हैं, जिन जिन भाइयों की कमेंट आई है 7 फरवरी का एग्ज़ाम देने गए हैं दोस्तों, उन लोगों की कमेंट आई है दोस्तों। ये 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हु इज़ सुनीता विलियम, दोस्तों सुनीता विलियम कौन है उनके बारे में पूछा गया। आगे देखते हैं हम, भारत की राजधानी दिल्ली कब घोषित की गई, दोस्तों इसकी डेट पूछी गई है, भारत की राजधानी दिल्ली कब घोषित की गई थी डेट पूछा गया। दोस्तों ये रिव्यू दे रहे हैं हम फर्स्ट शिफ्ट का, जो आप सभी का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखते हैं हम, ODI में 206 मारने वाला खिलाड़ी कौन है, दोस्तों भारतीय खिलाड़ी कौन है ODI में 206 मारने वाला, उसका नाम पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर नोट कर लेना, आने वाले शिफ्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी तक वीडियो लाइक ना करा लाइक कर दो दोस्तों, आप छोटी सी विनती है आपसे छोटी सी। आगे देखते हैं हम, मिजोरम की राजधानी पूछी, दोस्तों मिजोरम की राजधानी क्या है, राजधानी से दोस्तों 2 नंबर आए हैं आप सभी के फर्स्ट शिफ्ट में। जिन जिन भाइयों की कमेंट आई है दोस्तों वो आप सभी को बता रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। एंड दोस्तों जिन्होंने कमेंट करा उनको दोस्तों दिल से शुक्रिया, आप सभी ने कमेंट करा बताया अपना टाइम निकाला दोस्तों कमेंट देने के लिए और सभी की हेल्प करने के लिए, थैंक यू आप सभी के लिए। आगे देखते हैं हम, अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या पूछिए, दोस्तों अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है। एंड दोस्तों ये SSR में पूछा गया था क्वेश्चन, SSR AA में पूछा गया था, तो इसे जरूर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या पूछी गई है फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों, 7 फरवरी यानी कि आज का एग्जाम में पूछे गए प्रश्न बता रहे हैं आपको। आगे देखते हैं हम, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, दोस्तों हमने आपको बता दिया ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखते हैं हम, इंडोनेशिया की करेंसी पूछी गई है दोस्तों, सिक्किम की राजकीय भाषा पूछी है दोस्तों, सिक्किम की राजकीय भाषा कौन सी है आज के पेपर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाना, आप सभी के एग्जाम में मिलेंगे 100%, तो जरूर याद कर लेना आप आने वाले शिफ्ट के लिए। आगे देखते हैं हम, सऊदी अरब की मुद्रा पूछी गई है दोस्तों, आप सभी के एग्जाम में सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, यानी कि 3 नंबर मिले हैं आपको दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में, मुद्रा से 3 नंबर आए हैं, तो मुद्राओं को अच्छी तरह याद कर लीजिए। भारत के सभी राज्यों की राज्यपाल याद कर लीजिए, 28 राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री याद कर लीजिए। एंड दोस्तों सभी देशों की मुद्रा याद कर लीजिए, 3 नंबर मिल रहे हैं आप सभी के एग्ज़ाम में, और फुल फॉर्म को याद कर लेना अच्छी तरह से। आगे देखते हैं हम, ICC 2018 का खिलाड़ी कौन सा है, आपको बताना दोस्तों खिलाड़ी पूछा गया। आगे देखते हैं हम, नौटंकी किस राज्य की संबंधित है, दोस्तों नौटंकी पूछी है किस राज्य से संबंधित है, वेरी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आज का पेपर बेहद ही इजी है आप सभी का, देख सकते हैं GK बेहद इजी आ रही है। आगे देखते हैं हम, नरेंद्र मोदी ने किस जयंती पर 100 के सिक्के चलाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये पूछा गया है तो थोड़ा टफ है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन आ रहा करंट अफेयर से। आगे देखते हैं हम, 2 क्वेश्चन गेम से, हमने कहा था दोस्तों क्रिकेट से हो या ओलंपिक से 2 नंबर मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो हर हाल में याद कर लेना आप सभी, तो देख लीजिए दोस्तों 2 क्वेश्चन गेम से आ रहे हैं। आगे देखते हैं हम, 2 क्वेश्चन दोस्तों डांस से आ रहे हैं, सभी राज्यों के नृत्य याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, मिलेगा आप सभी के एग्जाम में आने वाली शिफ्ट में। आगे देखते हैं हम, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, दोस्तों ये पूछ ले गया है आप सभी के एग्जाम में कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो अच्छी तरह देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम, मिजोरम की कैपिटल पूछी है दोस्तों, हमने आपको सभी को बता दिया कैपिटल से दोस्तों 3 नंबर आए हैं आप सभी के शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में, तो अच्छी तरह याद कर लेना। आगे देखते हैं हम, गणित से क्वेश्चन आया 2A = 3B एंड A:B:C का रेशो निकालना, तो इजीली निकाल देंगे, बेहद इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं हम, भूटान की राजधानी पूछी गई है दोस्तों, राजधानी से याद कर लेना, हमने हर बार कहा था दोस्तों राजधानी से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आगे देखते हैं हम, भाप के इंजन का खोज किसने की, वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक ना करा अब लाइक कर दो, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए हम डेली इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। आगे देखते हैं हम, मैथ में दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आया, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, इसी काम को बी 12 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलाकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहद ही इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के मैथ का क्वेश्चन आ रहा है तो आप देख लीजिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं आप सभी के एग्जाम में। आगे देखते हैं, sin 4y 5 + cos 5y 3 2 10 + sec
की वैल्यू पूछी गई है दोस्तों मैथ में, इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए आप। आगे देखते हैं हम, मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों, हमने बता दिया क्वेश्चन पूछा गया है। एंड दोस्तों दिल्ली कब राजधानी बनी, दोस्तों दिल्ली कब राजधानी पहुंची उसकी डेट पूछी गई है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप सभी के फर्स्ट शिफ्ट में, ये प्रश्न दोस्तों आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छी तरह याद कर लेना इन प्रश्नों को। जितने क्वेश्चन हमें मिल पाए और जिन्होंने कमेंट करी है दोस्तों उनसे दिल से शुक्रिया। यदि और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल वाली घंटी दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।